वेलकम बैक टू निराज चैनल। हम लोग प्रीपोजिशन के आज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, है ना, प्रीपोजिशन के पार्ट थ्री। तो प्रीपोजिशन के पार्ट थ्री में मैंने पार्ट टू में बताया था कि ओवर का कुछ कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, और आज पार्ट थ्री में ओवर का कहाँ पे कैसे और किस प्रकार से यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि ओवर का यूज कहाँ पे होता है, ओवर है। तो मैं हम ये जान चुके थे कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वह दो या दो से अधिक घेरों से घिरा हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वह दो या दो से अधिक बाउंड्री या घेरे से घिरा हो। जैसे कि मैं बोल दूं कि कोई एक वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु है और ये घिरा हुआ है दोगो से, है ना। यानी जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और घिरा होना चाहिए किससे, दो या दो से अधिक पिलर हो, दीवार हो, किसी भी चीज से घिरा हो, है ना, तो उसमें हम लोग ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर का। तो एग्जाम्पल, द रूफ इज ओवर योर हेड, है ना। मैं बोल सकता हूं कि द रूफ इज ओवर योर हेड, द रूफ इज ओवर योर हेड, है ना। तो यहां पे द रूफ इज ओवर योर हेड, यहां पे मैं ओवर का यूज क्यों किया, क्योंकि जो रूम जो है चार दीवारी, बोले छत जो है चार दीवारियों के सहारे खड़ा है, और हमारे सर से कहाँ है, हमारे सर से ऊपर है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि द रूफ इज ओवर योर हेड, जो छत जो है तुम्हारे हेड के कहाँ है, ऊपर है। ओके, तो हाँ, लिखना है कि ओवर का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, है ना, ओवर का यूज कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्थान पे करेंगे। तो बोला कि ओवर का यूज हम लोग ओवर का यूज है ना, ओवर का यूजेस कहाँ कहाँ पे। जैसे कि ओवर का यूज हम लोग एज बताने में, है ना, एज में करेंगे, एज, टेम्परेचर को नापने के लिए, एज और टेम्परेचर, है ना। बोला कि ओवर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो एज बताने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, है ना। बोला कि मेजरमेंट, है ना, टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट, है ना। बोला किसी प्लेस के आसपास, है ना, बोला कि आसपास, यानी एज ओवर का यूज आसपास के अर्थ में भी किया जाता है ना। बोला कि ओवर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो एज बताने के लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, है ना, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। बोला किसी प्लेस के आसपास या प्लेस में यानी आसपास के अर्थ में भी हम लोग ओवर का यूज करेंगे, है कि नहीं, आसपास के। बोला समूचा या संपूर्ण के अर्थ में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। और बोला क्या चीज, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के संबंध में, बोला पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ना। तो फिर से एक बार देखा जाए, बोला कि ओवर का यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग करेंगे, तो एज बताने के लिए ओवर का यूज करेंगे, एज बताने के लिए, है ना। बोला कि टेम्परेचर को मेजरमेंट में, जहां पे टेम्परेचर की मेजरमेंट होगी वहां पे भी ओवर का यूज करेंगे, प्लेस यानी स्थान यानी आसपास के वातावरण को जानने के लिए भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं,
संपूर्ण या समूचा, समूचा का बोध कराने के लिए भी ओवर का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम को समाप्त होने के अर्थ में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से सबका एग्जांपल। एग्जांपल बारी बारी से बोला ही इज ओवर 35, ही इज ओवर 35, ही इज ओवर 35 बोला कि वह 35 वर्षों से क्या चीज है अधिक है, उसका उम्र 35 वर्ष से क्या चीज है अधिक है, है ना। ओवर का मतलब ही होता है अधिक, यानी उसका उम्र 35 वर्षों से क्या है अधिक है, इसलिए मैंने ही इज ओवर 35 का यूज किए। नेक्स्ट नेक्स्ट द टेम्परेचर इज ओवर द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। बोला कि द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कुछ में भी बोला कि यहाँ का जो वातावरण है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, यानी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या टेम्परेचर तो पढ़े, नेक्स्ट था बात अपने प्लेस के आसपास। देयर इज हॉट ओवर देयर, देयर 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 इज हॉट ओवर देयर, देयर इज हॉट ओवर देयर, है ना। बोला कि यहाँ पे ओवर का और यहाँ पे ओवर का हिंदी आसपास, आस या पास। बोला कि देयर इज हॉट ओवर देयर, है ना, ओवर देयर, वहां वहां को चाहिए गर्मी है, उसके वहां आसपास में क्या पड़ रही है, मैंने वहां आसपास में क्या चीज है गर्मी पड़ रहा है। या मैं बोल सकता हूँ देयर इज ए कोल्ड, देयर इज ए कोल्ड ओवर देयर, देयर इज ए कोल्ड ओवर देयर, यानी कुछ में भी आसपास का सेंस के अर्थ जहां पे लगे वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं, है ना। यहाँ गर्मी है देयर इज ए कोल्ड एयर, वहां ठंडा है देयर इज ए कोल्ड देयर, There is a over cold there, कुछ भी anything। आगे मैं बोलूं अब next example, next example there is an umbrella over his head, there is an umbrella over is head, over is head, मैंने कहने का मतलब है कि जो अम्ब्रेला जो लिए हुए है हमारे हमारे हेड के क्या है ऊपर है, यानी there is an umbrella over his head, जो छाता जो है हमारे सर के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं देखिएगा, बोला क्या अगला आगे सेंस था पीरियड ऑफ टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम। बोला प्लीज प्लीज सेफर्ड द, प्लीज प्लीज स्प्रेड मिस फैलाना, स्प्रेड द, प्लीज स्प्रेड द क्या चीज, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डॉट 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 द टेबल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डॉट 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 द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज प्लीज पुट द प्लीज पुट द क्लॉथ डॉट 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 द टेबल। अब यहां पे किसका किसका यूज होगा, है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है कि प्लीज स्प्रेड द कॉटन क्लॉथ यहां पर ओवर, ओवर का हम लोग इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि अगर जो जो टेबल है टेबल पे हम लोग इसको बिछाएंगे, यानी पूरे टेबल पे ना बिछाएंगे, यानी पूरे का बोध हो रहा है, यानी टेबल के ऊपर हम क्या चीज करेंगे कपड़ा को ढकेंगे या कपड़ा से इसको क्या करेंगे बिछाएंगे,
जब भी बिछाने या बिछाने का सेंस में होता है तो हम लोग पूरे यानी टेबल को पूरे क्लॉथ से क्या करेंगे, ढकेंगे, यानी ऊपर में हम लोग टेबल के ऊपर कोई भी क्लॉथ को क्या करेंगे तो बिछाएंगे, यानी पूरे टेबल को, है ना। बोला प्लीज पुट द कॉटन क्लॉथ ऑन द टेबल, बोलने का मतलब है हम कोई भी कुछ भी किसी भी चीज को टेबल पे क्या करेंगे, रख देंगे, जहां मन जहां उठा के क्या किए, रख दिए। तो रखने के सेंस में ऑन का प्रयोग, और अगर जो पूरे तरह को पूरे पूरी तरह से बिछाने का सेंस हो तो ओवर का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एग्जांपल, वो क्या पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है। जैसे द क्लास इज ओवर एट 5 PM, द क्लास इज ओवर एट 5 PM, बोला कि क्लास 5 बजे क्या होगी, समाप्त होगी, या क्लास 5 बजे टूटेगी, है ना। क्लास 5 बजे क्या होगी, समाप्त होगी, या क्लास 5 बजे टूटेगी, है ना। एक और बात ध्यान देना है कि ओवर का यूज तो मैंने पढ़ लिया, है ना, बेसिक चीजें भी है ओवर का यूज। द ओवर इज यूज्ड, ओवर इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, ओवर इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता से अधिक के लिए, किससे अधिक के लिए, आवश्यकता से अधिक के लिए। ओवर इज यूज्ड विथ द सेम ऑफ, है ना, ओवर इज यूज्ड विथ द सेंस with the sense of, over is used with the sense of more than required, more than, more than required, है ना, यानी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, जहां पे भी आवश्यकता से अधिक का सेंस हो वहां पे भी मैं over का यूज कर सकता हूँ या करूंगा, है ना। यानी ओवर का यूज कहाँ पे करेंगे, जहां आवश्यकता से अधिक, वह आवश्यकता से अधिक खा लिया, है ना, वह क्या कर लिया, आवश्यकता से अधिक खा लिया, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, है ना, ओवरवाइज नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएंगे, लेकिन ओवर ईटिंग, overwise, over smart, है ना, हम लोग कहते हैं कि over smart है ना, over careful, अगर जो कोई बच्चे को उसके पिताजी बोल दिए कि रोड को क्रॉस केयरफुली से करना चाहिए, है ना, अब कोई भी साइकिल आ जा रहा है, बेचारा चुपचाप खड़ा है, है ना, कि कब साइकिल पार होगा, औसे दो दिन पर बेचारा खड़ा हो जाए, यानी कहने का मतलब है इतना भी ओवर नहीं, ओवर मैंने आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं, इसका सेंस क्या चीज है कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, यानी ओवर केयरफुल नेगेटिव सेंस में भी हो जाते हैं कि बहुत सावधान है, है ना। तो ठीक है, ओवर ईटिंग, ओवर वाइज, ओवर स्मार्ट इत्यादि। थैंक यू, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।